मेरा देश मेरा प्रदेश न्यूज। केंद्र की मोदी सरकार द्वारा बिना किसानों की सहमति के गुपचुप तरीके से 3 काले कृषि कानून को पारित कर दिया गया है। देश की राजधानी नई दिल्ली में सिंधु वर्ड पर 72 दिन में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड आदि राज्यों के किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार उनकी कोई बात नहीं सुन रही है और कृषि प्रधान देश में किसान विरोधी काले कानून लाकर केंद्र सरकार द्वारा किसानों को ठगने की कोशिश की जा रही है, लेकिन देश का अन्नदाता हार मानने वाला नहीं है। ये बात सरदारपुर विधायक प्रताप ग्रेवाल द्वारा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशन पर शनिवार को राष्ट्रीय राजमार्ग को सांकेतिक रूप से चक्का जाम कर प्रधानमंत्री के नाम पर तहसीलदार प्रकाश परिहार को ज्ञापन सौंपने पर कही गई, जिसमें बताया गया है कि नए कानून किसानों के लिए गहरे संकटों का कारण बन गया है। नए कानून में व्यापारी मनमानी करेंगे, किसानों की उपज में मूल्य की गारंटी नहीं होने से किसानों में मनमाने भाव पर उपज खरीदी जाएगी, जिसमें न पारदर्शिता होगी और न ही सुरक्षित भुगतान की समुचित व्यवस्था होगी। नए कानून के अनुसार अगर किसान को उसकी उपज का भुगतान नहीं मिला तो किसान न ही पुलिस में रिपोर्ट कर सकता है और न ही अदालत में जा सकता है। सरदारपुर से संवाददाता विक्रम सिंह चावड़ा की रिपोर्ट। मोदी तेरी तानाशाही।